ग्लोबल बाजारों में मजबूत रुख और विदेशी फंडों की लिवाली की वजह से शुक्रवार को इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अपनी लाइफटाइम ऊंचाई पर बंद हुए। अब निवेशकों की नजर शुक्रवार को जारी होने वाले ताजा घरेलू तिमाही विकास आंकड़ों पर रहेगी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231 पॉइंट बढ़कर 82,365 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 83 पॉइंट चढ़कर 25,235 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व और भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा चढ़े, जबकि टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। आई थिंक द मार्केट कंटिन्यूज टू बी इन द बुल रन एज इट स्केल्स टू अ न्यू हाइट। द मार्केट्स आर सेलिब्रेटिंग स्टिल द अनाउंसमेंट मेड बाय जेरोम पावेल इन द जैक्सन होल सिंपोजियम। I think 18 November is the Fed meet when the big news about the rate cut is going to come. The parameters on the economic front from India are already encouraging. We've seen inflation down to lot of months lowest level. Oil and gas aur media ko chhodkar baki sabhi share chadhe. Realty, IT, metal, healthcare aur auto shareon ne raftaar di. जापान के निकेई सियोल के कॉस्पी, चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंगसेंग समेत सभी एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। यूरो जोन के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने के बाद यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, वहीं वॉल स्ट्रीट गुरुवार को मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशक नेट बायर रहे और उन्होंने 3,259 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे।